Welcome to London. And this is the Big Ben Tower. Right now, it's under construction, it's fully covered. And sorry, we are unable to see it this way. So, we took a train from Whitechapel, and now we are out here at this station, which is called Westminster. And as soon as you come out from the Parliament side, so you will encounter this Big Ben Tower. And this is the centralmost area where you will also see the London Eye on my left. Perhaps this is the Parliament, and it's very central. मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही मशहूर लंदन का मॉन्यूमेंट है, और इस मॉन्यूमेंट को क्या कहते हैं, इस मॉन्यूमेंट को कहते हैं ब्रिज टावर। फाइनली हम वेस्टमिंस्टर से लंदन ब्रिज की तरफ हम वॉक करते हुए जब हम गुजरते हैं लंदन ब्रिज से, तो अगर आगे हम थोड़ा सा चलें तकरीबन कोई एक माइल्स, तो फिर आपको ये ब्यूटीफुल प्लेस नजर आती है। लंदन नो डाउट बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ पर जब आया था तो आपको याद होगा जब वेस्टमिंस्टर स्टेशन से निकला था जो ट्यूब है उससे, और फिर यहाँ से तकरीबन 2 माइल्स की वॉक है साउथ की जाने, और आप तकरीबन 2 माइल्स walk karte and then you will find this beautiful monument. It's known as Bridge Tower Bridge.
और रास्ते में दरमियान में आपको लंदन ब्रिज ही मिलता है, वो लंदन ब्रिज जिसके ऊपर फेमस पोइम है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। और आपको थोड़ा सा मैं ये भी दिखा दूँ साथ में कि और क्या क्या है इसके पास। वेस्टमिंस्टर से जब आप वॉक करते हैं तो आपको रिवर थेम्स के दोनों अतराफ पर ये वॉकवे मिलेगा। मैं साउथ साइड पर हूँ, साउथ वॉकवे की जानेब, और जो सामने आपको वॉकवे नज़र आ रहा है वो नॉर्थ साइड है। लेकिन दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग है क्योंकि रास्ते में आपको जगह जगह पर बहुत इंटरेस्टिंग सिटिंग प्लेसेस मिलेंगी, पार्क मिलेगा, म्यूज़ियम मिलेंगे और बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। सो इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड वॉक, अगर आप लंदन आते हैं तो आप ये रूट ज़रूर लीजिएगा, वेस्टमिंस्टर से लेकर और टावर ब्रिज तक। आगे चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है इस मॉन्यूमेंट को देखने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं और इसकी बहुत हिस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरे बुरे एक्सीडेंट भी यहाँ पर होते रहे हैं, रिसेंटली भी होते रहे हैं। कुछ अर्से पहले खबरों में सुना था कि यहाँ पर टेररिज्म के कुछ पार्ट होते हुए बस एक या एक वैन जो है वो लोगों के ऊपर पेडेस्ट्रियन के ऊपर चढ़ दौड़ी थी। और इस पर क्यों इसके वाकत होते रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी हिस्ट्री है इस ब्रिज की जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ये एक और 12वीं सदी की एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। यहाँ पर यहाँ से कहा जाता है कि एक प्रीस्ट ने इस्केप किया था, एक किंग एडवर्ड ने या किंग हेनरी ने इसको यहाँ पर कैद करके रखा था। नहीं, जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने उसे कैद किया था यहाँ पर। और उसने डेयर किया था कि वो यहाँ से भागकर निकलेगा और 1500 कुछ में वो यहाँ से भागा था। और सामने जो थेम्स रिवर है वहाँ पर वार्फ के ऊपर एक बोट उसका इंतज़ार कर रही थी, और फिर वो रोप के ज़रिए यहाँ से इस किले से भागा था। इसका एक टावर है नॉर्थ साइड, सदर्न साइड के ऊपर वहाँ से, और वहाँ से निकल के वो यहाँ से गया था। बड़ी खूबसूरत जगह है। लंदन इज़ ए रियल हिस्टोरिक सिटी and it's a, such a lovely place to visit, but it's a bit on the expensive side. Yes, it's not just bit, but it's a lot of it's really an expensive city. If I compare it to other international cities like New York, then I would say it's really expensive. New York is a place where you can find a lot of cheap places, but London is almost same when it comes to rates. Yeah, just see around. So this is the downtown area, the main London, the old London. It's very heavy, humongous buildings. You will find cobblestones, old buildings everywhere. And then you would walk down, you would find that it gives an impact on your mind, on your brain, and that is very heavy.
Yeah.